तो आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ गैलेक्सी थीम को फ्री में डाउनलोड कैसे करना है, और गैलेक्सी थीम पे जो है आपको फास्ट एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा। और दोस्तों गैलेक्सी थीम को आप जो है डार्क मोड में और वाइट मोड में दोनों में यूज कर सकते हो, और किसी भी प्रकार का आपका वेबसाइट होगा तो उस वेबसाइट के लिए आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे जो है आपको गैलेक्सी ब्लॉगर टेम्पलेट फ्री में कैसे डाउनलोड करना है इस चीज़ का जानकारी देने वाला हूँ, तो देखते रहना इस वीडियो को एंड तक। अगर वीडियो सही लगे तो कर देना लाइक, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो कर देना सब्सक्राइब, बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर देना। अगर ये जानकारी ज़्यादा ही अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर करना। तो चलिए अब आपसे ज़्यादा टाइम लेंगे नहीं, अब करते हैं शुरू। तो गैलेक्सी थीम को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको इस पेज पे आना होगा। इस पेज का लिंक नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, तो उस लिंक पे क्लिक करके डायरेक्ट इस पेज पे आप आ सकते हो और यहाँ से आप जो है डाउनलोड कर सकते हो। तो अभी मैं आपको बताऊँगा कि कैसे इस थीम को डाउनलोड करना है और कैसे आपको इस थीम को देखना है, और दिखा देता हूँ इस थीम का लेआउट पूरा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि लिखा हुआ है गैलेक्सी ब्लॉगर टेम्पलेट फ्री डाउनलोड फास्ट एडसेंस अप्रूवल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो है थीम है और नीचे जो है कुछ लिखा हुआ है, तो आप आके इसको पढ़ भी सकते हो। बाकी इसको अपलोड कैसे करना है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि थीम पर क्लिक करके ब्लॉगर के डैशबोर्ड ओपन करना है, थीम पर क्लिक करके आप अपलोड कर सकते हो। बाकी यहाँ पे भी लिखा हुआ है, और उसके बाद नीचे की ओर आओगे तो यहाँ पे आपको डाउनलोड का बटन मिल जाएगा। तो इस डाउनलोड के बटन पे क्लिक करके आप क्या कर सकते हो कि गैलेक्सी थीम को डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस प्रकार का पेज ओपन हो चुका है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे करना क्या है। यहाँ पे चलिए सबसे पहले आपको करना क्या है कि यहाँ लाइव प्रीव्यू पे क्लिक करके आपको इस थीम को देख लेना है। यहाँ लाइव प्रीव्यू पे क्लिक कर दे हैं। लाइव प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ देख सकते हो कि सबसे पहले यहाँ पे एक ये बटन है, तो यहाँ पे क्लिक जैसी करोगे तो ये डार्क मोड में हो जाएगा, और फिर इस पे क्लिक करोगे तो ये जो है लाइट मोड में हो जाएगा। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो कि डार्क और लाइट मोड दोनों कर सकते हो। बाकी इस थीम का जो खासियत मैं आपको बता दूं कि ये जो है थीम बहुत ही अच्छा है, और इस थीम को आप किसी भी ब्लॉगर के वेबसाइट के लिए यूज कर सकते हो। तो ऊपर में देख सकते हो कि अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस और प्राइवेसी पॉलिसी का बटन आपको मिल जाता है, और इधर सोशल बार जो है आपको मिल जाता है। बाकी यहाँ पे लोगो आप लगा सकते हो अपने वेबसाइट का अपने हिसाब से, और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये मेनू है, तो मेनू का आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। बाकी आपका जो भी ब्रेकिंग पोस्ट होगा वो यहाँ पे चलेगा, और उसके बाद यहाँ पे सर्च बार आपको दिख जाता है, जो कि यहाँ पे अगर कोई क्लिक करेगा तो होगा क्या कि आपके वेबसाइट में जो भी पोस्ट होगा वो उसके सामने में आ जाएगा। जब वो सर्च करेगा जिस चीज़ से रिलेटेड, तो वो पोस्ट जो है आपके वेबसाइट में होगा तो उसके सामने में आ जाएगा। बाकी यहाँ पे हेडर में देख सकते हो कि यहाँ पे ऐड लगाने का ऑप्शन है, तो यहाँ पे ऐड लगा सकते हो, तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो थीम है किस प्रकार से दिखता है। तो यहाँ पे चार पोस्ट दिखेगा, उसके बाद एक पोस्ट इधर दिखेगा, और उसके बाद फिर नीचे की ओर आप आओगे तो यहाँ पे टॉप पोस्ट जो भी होगा वो दिखेगा, और फिर यहाँ पे सोशल पुलिंग है, तो आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। बाकी फिर नीचे की ओर आओगे तो देख सकते हो कि ये थीम है कैसा, तो यहाँ पे आप देख लो ध्यान से, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे है क्या कि रिसेंट पोस्ट जो है दिखता है, और उसके बाद यहाँ पे साइड बार में क्या कर सकते हो कि आप गूगल एडसेंस का ऐड लगा सकते हो यहाँ पे। बाकी उसके बाद नीचे की ओर आओगे तो यहाँ पे और भी जो है पोस्ट दिखेगा, जो कि बहुत ही अच्छा है, रिस्पॉन्सिव थीम है, और फिर नीचे एक ऐड लगाने का ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप लगा सकते हो। फिर उसके बाद नीचे की ओर आप आओगे तो नीचे आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे फिर एक ऐड लगाने का ऑप्शन है नीचे, तो यहाँ पे देख सकते हो। तो इसके अंदर में आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे एक ऐड लगा सकते हो, उसके बाद ऊपर की ओर आप आओगे तो यहाँ पे एक ऐड लगा सकते हो, तो दो ऐड हो चुका है दोस्तों। और उसके बाद जो है फिर ऊपर की ओर आप आओगे तो यहाँ पे साइड बार में एक ऐड लगा सकते हो, और उसके बाद फिर ऊपर की ओर आप आओगे तो एक ऐड जो है हेडर में आपको लगाने का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो चार ऐड जो है इसके अंदर में लगा सकते हो गूगल एडसेंस का, जो कि बहुत ही अच्छे अच्छे जगह पे ऐड लगाने का ऑप्शन है। और इससे होता क्या है कि यूजर जो है इस पे ज़्यादा क्लिक करते हैं, और इस पे जो है आपको इम्प्रेशन ज़्यादा मिलेगा, सीपीसी ज़्यादा मिलेगा, ठीक है।
बाकी चलिए किसी भी एक पोस्ट को हम यहाँ पर ओपन करते हैं, तो पोस्ट ओपन करने के बाद जो है दिखता कैसा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पोस्ट ओपन हो चुका है, और यहाँ पे अगर किसी को डार्क मोड में करना होगा तो यहाँ पे क्लिक करेगा और डार्क मोड में हो जाएगा, और यहाँ पे जो है पढ़ सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से दिख रहा है। बाकी चलिए यहाँ पे व्हाइट मोड ही रहने देते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हेडर में एक ऐड दिखेगा पोस्ट ओपन होने के बाद, उसके बाद फिर नीचे की ओर आएगा, तो यहाँ पे होगा क्या कि नीचे की ओर आने के बाद यहाँ साइड बार में एक ऐड दिखेगा, और उसके बाद जो है यहाँ पे एक ऐड दिखेगा, और उसके बाद फिर नीचे की ओर आप आओगे तो यहाँ पे भी एक ऐड दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे जो कि आप लगाओगे तभी दिखेगा, जब आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा तो इसके अंदर में ऐड को लगा सकते हो, चार ऐड को। तो यहाँ पे ये थीम जो है किसी भी तरीके से बेकार नहीं है, सभी प्रकार से ये जो थीम है बहुत ही अच्छा है, और इसका डिज़ाइन भी बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो इस थीम को आप डाउनलोड कर सकते हो। तो डाउनलोड करने के लिए आपको इस पेज पे आना होगा, और इस पेज का लिंक नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद नीचे की ओर आप आना, और आपको पढ़ना होगा तो पढ़ लेना, यहाँ पे कुछ जानकारी भी आपको मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे डाउनलोड का बटन है, इस पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हो गैलेक्सी थीम को। तो चलिए यही जानकारी आपको देना था, अगर ये जानकारी सही लगा होगा तो इस वीडियो को कर देना लाइक, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को कर देना सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करने से ये फायदा होगा कि आगे मैं इस चैनल पे जो भी वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में।